नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सैटरडे का दिन हो तो चाय पीते पीते आराम से या तो जूस पीते पीते आराम से ये वीडियो देख सकते हो। और सैटरडे का दिन है तो एक अच्छा वीडियो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कल अगर याद हो तो आपको एक वीडियो पोस्ट किया था कि 1 आवर की कैंडल हमारे लिए कितनी फायदाकारक हो सकती है एनालिसिस में और ट्रेडिंग लेने में और प्रॉफिट करने में। बहुत अच्छा लगा काफ़ी सारे ट्रेडर्स को, काफ़ी सारे मुझे कमेंट आई। उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि प्राइस रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो प्राइस रिजेक्शन पे आज एक डिटेल वीडियो बनाने का मैंने सोचा, क्योंकि काफ़ी सारी आप लोगों के पास से मुझे रिक्वेस्ट आ गई। प्राइस रिजेक्शन इतनी बढ़िया चीज़ है कि जिसको आप पहले समझोगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, तब बहुत बढ़िया प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हो। एक और बात मैं याद दिला दूँ, जब भी मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो मेरा इंटेंशन ये होता है कि अगर मैं सही नॉलेज आपके माइंड में डाल दूँ, अगर ये सब चीज़ें आपके जहन में चली जाए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक करके भी आप लाइफ में आगे आ जाओगे। मेरी एक्सपेक्टेशन कभी भी ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के आप बस कल सुबह से पैसा बनाने लगो, नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, माइंड को भी एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, ठीक है। प्राइस रिजेक्शन होता क्या है, कई बार बैंक निफ्टी निफ्टी पर कोई स्टॉक जिस तरह से ऊपर जाने की ट्राई करता है तो मार्केट उसको पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं करने देता, फिर से वो नीचे आ जाता है, फिर वो ट्राई करता है ऊपर जाने की, फिर भी मार्केट उसको ऊपर नहीं जाने देता है, राइट। तो इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में प्राइस रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन में हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है, दो। अगर ये प्राइस रिजेक्शन का मार्केट उसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, मतलब वो ऊपर चला गया, क्रॉस कर दिया इसको आराम से, ठीक है, अच्छी तरह से, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर नहीं कर पा रहा है तो अलग अलग लेवल्स पे हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब दोनों चीज मिलेगी। और ये प्राइस रिजेक्शन का यूज आप इंट्राडे में कर सकते हो, कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शन में भी कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से। पहले कंसेप्ट समझ लो। देखो कंसेप्ट समझोगे ना तो टेक्निकल एंट्री एग्जिट अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो कहां एंट्री करोगे, कहां एग्जिट करोगे, क्या पता। मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। अपने एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक, 3-4 स्टॉक के भी मैं आपको एग्जाम्पल रिव्यू करवाऊंगा ताकि मजा आ जाए, ठीक है, आपको कंसेप्ट माइंड में बैठ जाए। थोड़ा ये बैंक निफ्टी निफ्टी वाला एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, पर मैं चाहता हूं कि बातें क्लियर हो जाए, तो पेशेंस रखना। बैंक निफ्टी ने जो हाई मारा था उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे ये कैंडल ने हाई मारा, ठीक है, फिर ये कैंडल ने और फिर ये, तो ये मैंने बोला था कि मैं क्या करता हूं कई बार जब इंडेक्स ट्रेडिंग होता है तो कई बार तीसरी बार तक वेट करता हूं। एक बार प्राइस रिजेक्शन हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, फिर बाद में एकदम नीचे चला गया और अभी भी ये प्राइस में आया नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कोई चार्ट तो आपको पता चल जाता है, कह रहे यार ये एक बार ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया, दूसरी बार ऊपर गया फिर सपोर्ट लिया। तो देखो ये भी देखना पड़ता है, ये भी मैंने देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, फिर यहां से जैसे ये कैंडल ने सर्वाइव नहीं किया और ये कैंडल का लो टूटा तो मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, ऑप्शन में 2-3 दिनों के पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा टारगेट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और सीधा जैसे ये कैंडल टूटा तो ये जो मेन हाई है, जो हाई नहीं तोड़ पा रहा, वो मैं एकदम स्टॉप लॉस रख देता हूँ। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसको स्टॉप लॉस रख सकता हूँ कि अगर मार्केट फिर से चौथी बार हाई मारने गया तो और क्रॉस हो गया तो वो बाद में लेके मैं 1% या तो 2% का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करके मैं प्रॉफिट अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। अब यही बात निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में भी एक पैटर्न है पर अभी टूटी नहीं है मेरे ध्यान में। देखो आप लोग भी इस पे होमवर्क करना। निफ्टी ने क्या किया था यहाँ पे कि हाई मारा था 16,701 का, ओके, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, फिर तो कि 16,712 का, बाद में वो नीचे आ गया, और अब तो कि 16,722 का। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर कोई ऐसी पैटर्न नहीं दिख रही है कि भैया ये वीक ही है, क्योंकि ये बारी बारी एक बार, दो बार और तीन बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या मैं इसको सपोर्ट गिनूं, क्या मैं इसको सपोर्ट गिनूं। देखो बैंक निफ्टी से ये थोड़ी डिफिकल्ट पैटर्न निकल के आ रही है, बट कम से कम आप लोगों को इतना तो पता चला कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे बेचारा आगे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बेचारा आगे आने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी से ये अलग पैटर्न जा रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था, ऐसा था तो हमको सपोर्ट मिल रहा था काफी सारी जगह पे, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे ये तोड़ा, जैसे यहां से तोड़ा तो हमने बोल दिया कि भाई शॉर्ट कर लो। निफ्टी में उल्टा हो रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है, ये बेचारा ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, पर हर एक बार ट्राई कर रहा है तो पैटर्न कितनी वियर्ड बन रही है। देखो कहां में इसका नीचे का साइड सपोर्ट कहां है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पे कि बात ऐसी हो रही है,
ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो मैंने बोला था ना, प्राइस रिजेक्शन में क्या होता है, ऊपर की साइड भी ट्रेड मिल सकता है, नीचे की साइड भी। मैं अभी निफ्टी में क्या करूंगा, मेरा बायस थोड़ा ऊपर की साइड रखूंगा, क्योंकि इसका नीचे का सपोर्ट अभी क्लियर ही नहीं है, ठीक है। इसको नीचे ज्यादा जाने ही नहीं दे रही है लोग, तो मैं देखूंगा कि अगर वो अच्छी तरह से ये 16,700 का लेवल क्रॉस कर लेता है, उसके नीचे नहीं आता है, तो अपनी ऊपर की साइड ट्रेड बनती है, और ये जो लेवल है वो बेचारा उसका सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। प्राइस रिजेक्शन निफ्टी में भी हो रहा है, पर थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। पर अगर आने वाले दिनों में ऐसा हुआ करे यार, उसने एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कर लिया, अब चौथी बार भी नहीं हो रहा है, और वहां से इंटरिम सपोर्ट, जैसे कि ये इंटरिम सपोर्ट एक तोड़ दिया, तो मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा इस लेवल के लिए। इसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में मैंने अलग चीज समझाई, पर ये एक जजमेंट कॉल है जो पता चलना चाहिए। अब थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं ताकि दिमाग में उतरे। जैसे ICICI बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, मजा आएगा इसमें भी। एग्जांपल में ध्यान देना, आप एंजॉय करोगे। देखो ICICI एग्जाम, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ गेम चल रहा है, मजा आएगा अभी देखना। यहाँ पे इस कैंडल के हाई क्या है, तो 700 मैं लिखता हूँ, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना हो रहा है, 701, वाह भाई वाह, 701। फिर यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना हो रहा है, अगेन 700। तो अब दिमाग की घंटी बजी कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में उसको 701 का लेवल तो क्रॉस करना ही है। अब आप समझो कि एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार ऐसा हुआ, तीसरी बार, यहाँ पे अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर यहाँ पे मार्केट है, तो अब मेरे दिमाग में क्या चलेगा, जब तक ये अच्छी तरह से 701 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेता, मैं बाई तो नहीं करूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है, प्राइस नीचे जा रही है। अब नीचे की तरफ हमारे पास चैलेंज क्या है बताए, ये सब, ये दोनों कैंडल देखो, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था 687 पे, और यहाँ पे 689 पे, तो बहुत ही 701 और 6, मतलब 10-11 रुपए में फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है, इंटरिम सपोर्ट जोन बन रहा है। और मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो जो गैप डाउन हुआ था ना, ये वाला गैप डाउन, उसको क्लोज कर दिया ये कैंडल ने, तो ये कैंडल का हाई कितना है, तो 688, तो 687, 688 पे तो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इससे मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। तो हुआ क्या बताए कि एक्चुअली अगर ये लेवल मैं देखूं, ये लेवल और ये लेवल, उसकी एक चैनल बन गई है। देखो अब उसको कुछ ना कुछ तरीके से या तो इस साइड या तो उस साइड मूव होना है, तो मुझे ऊपर की तरफ पता चल गया कि उसको कब मूव होना है। 701 702 का लेवल अच्छी तरह से क्रॉस करेगा तो मैं वहां पे बाइंग कर दूंगा, ठीक है, ये और ये स्टॉप लॉस रख के, फिर 1-2% का टारगेट, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर उसने 689 का लेवल तोड़ा तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस साइड, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा वहां पे, और ये मेरा ऊपर की साइड स्टॉप लॉस हो जाएगा, समझ रहे हो। ये सब दिख रहा है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब एक और बात देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे एक और चीज दिखी थी कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखता हो ना, तो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे उसने हाई मारा था 708 का, मैं लिखता हूँ ताकि आपको और पता चले। फिर उसने हाई मारा 707 का, वाओ 707 का, फिर उसने हाई मारा नीचे जाके ऊपर 709 का, 709 इस तरीके से गया, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखो अच्छी तरह से इस तरह से गया मार्केट, और बाद में तो गया। तो ये तीन लेवल में एक एक रुपए का डिफरेंस है, तो मैं अगर देख रहा हूँ चार्ट एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ, फिर मुझे पता चलेगा ये जो मेन कैंडल थी उसका भी उसने लो तोड़ दिया, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, या तो 2-3 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हाई ऊपर की साइड SL रख के मैं नीचे अच्छी तरह से खेल सकता हूँ, यस और नो, ये सब दिखता है। देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने की क्रॉस कर रहा है, फिर रिजेक्शन मिल रहा है, फिर लो तोड़ रहा है, फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल भी तोड़ा, ये सब मैं देख रहा हूँ, तो सीधा पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, मैं अच्छी तरह से इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। प्राइस रिजेक्शन के अलावा मैं कुछ आप, मैं एडिशनल इनपुट्स भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको चार्ट एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ले लेते हैं डिमांड का स्टॉक, ठीक है, डिमांड के ये सब 1 आवर की कैंडल है, मैं बताना भूल गया, ये सब 1 आवर का एनालिसिस है, 1 आवर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको, ठीक है। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, मैंने ना सिंपल सिंपल चीजें ही आप लोगों के लिए रखी है ताकि आपको अच्छी तरह से मैं गाइड करूं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें अभी इस लेवल पे हम नहीं सीखने वाले हैं, उसको जाने दो कॉम्प्लेक्स चीजों को, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि क्या हुआ, देखो एक पैटर्न यहां पे मिल रही है अपने को,
यहां पे ये जो हाई मारा वो कितने का हाई है देख लेते अपने, 3425 का, ठीक है 3-4, जजमेंट को लेना मैं आपको सिखा रहा हूँ, 3425, और यहाँ पे कितना हुआ हाई 3420, ठीक है। अब देखना ये जो हाई का लेवल था 2-5, देखो 3000 वाले स्टॉक में 2-5 रुपए का डिफरेंस चलेगा, समझ रहे हो, वो परसेंटेज वाइज 0.1% से भी कम हुआ, पर मैं अगर इसको एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि अच्छा ये हाई मारने की कोशिश की, हाई मारने के बाद वो नीचे गया फिर से ऊपर गया तो वही वहीं वहीं पे उसको रिजेक्ट किया और अब सब कैंडल नेगेटिव आ रही नेगेटिव आ रही नेगेटिव आ रही, तो ये मेरा एक प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी था तो मैं ये ले सकता था। यहाँ पे मैंने दो कैंडल पे ही डिसीजन ले लिया, दो कैंडल पे ही डिसीजन ले लिया क्योंकि मुझे पता चला कि ये लिटरली नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, समझ रहे हो आपको, ये जो प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ ब्यूटीफुल तरीके से चार्ट में वो मुझे दिखा, ओके क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद की कैंडल कोई स्ट्रांग नहीं बन रही है, लोचे वाली कैंडल है, तो कर सकते हैं इसको आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में भी एक अच्छा खासा हेजिंग लेके हम पोजीशन बना सकते हैं, ऐसे काफी सारे पैटर्न ही। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ पता है, एकदम सिंपल सिंपल चीजों पे आपका इशारा कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा चलने लगे। अब जाते हैं इंडसइंड बैंक में, इंडसइंड बैंक में हमको देखना है एक अगस्त महीने में, अगस्त महीने में 4 अगस्त में एक सिंपल पैटर्न आई थी वो देख लेते हैं। ओके यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पे इसने हाई कितना मारा था 1048 का, 1048, ठीक है, और यहाँ पे कितना हाई मारा था 1055 का, देखो 1055, दो ही प्राइस रिजेक्शन है दो ही, पर देखो कुछ मतलब बन रहा है इसका, नीचे आया बेचारा बहुत मेहनत करके ऊपर गया, वही मेहनत को पानी में डाल दिया, समझे आप कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। इसी तरह से मार्केट में हम आगे जा सकते हैं, यहां पे भी दो बारी मैंने बोला प्राइस रिजेक्शन, पर बहुत अच्छा था, दिख रहा था कि बायर मेहनत करे और मेहनत रंग नहीं लाई अच्छी तरह से, मैं इसमें भी पैसे बहुत अच्छा इंडसइंड बैंक में भी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग कर सकता था, समझ में आ रहा है। ओके अब जाते हैं दूसरा स्टॉक ले लेते हैं एलएनटी। ओके एलएनटी में क्या पैटर्न निकल के आ रही है, सेम 4 अगस्त के आसपास पैटर्न निकल के आ रही है। देखो कई बार मल्टीपल टाइम सेम ही टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न, मतलब क्या कि स्टॉक मार्केट एक ही ट्रेंड में चल रहा है। इंडसइंड बैंक में भी 4 अगस्त में पैटर्न अपने को मिली थी लास्ट टाइम, यहाँ पे देखो यहाँ पे हाई कितना हमारा 1644, ओके इसको मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हाई कितना मारा 1639, 3-4 रुपए का तो डिफरेंस चलेगा बड़े स्टॉक में, तो यहाँ पे मुझे पता चला नीचे आया फिर ऊपर आने की कोशिश की नहीं आ पाया और बाद में सब वीक कैंडल्स गया, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, समझ रहे, आराम से 1% 2% आराम से अपने पर को प्रॉफिट मिल सकता था, ऊपर का एक अच्छा सा स्टॉप लॉस ये वाला रख के 1645 वाला स्टॉप लॉस रख के आराम से नीचे जा सकते थे अपने। ओके ये पता चल गया, अब बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, ठीक है एचडीएफसी बैंक ओके ये रहा एचडीएफसी बैंक में 1 जून के लिए पैटर्न बनी है अपने पास, सिंपल सिंपल पैटर्न एक्सट्रैक्ट किए, वरना काफी सारी चीजें अपने को मिल सकती है, पर मैंने सोचा कि अगर कोई बिगिनर्स भी देख रहा है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे सर आपने ये क्या पढ़ा दिया। देखो ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल का हाई कितना था 1527, ठीक है, फिर ये वाला कैंडल का हाई कितना था 1524, 3-4 रुपए का तो डिफरेंस चलेगा बड़े स्टॉक में, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे गया फिर से बाहर ने मेहनत की ऊपर आने की और सक्सेस नहीं हो पाए, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सभी स्टॉक्स में, यहाँ पे भी अगर 15727 के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया होता नीचे चले जाते इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन में पोजीशन ट्रेडिंग तो प्रॉफिट मिल जाता रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छी तरह से, ये सब प्राइस और काफी सारे स्टॉक में आपको सपोर्ट लेवल भी टूटता अच्छी तरह से दिखेगा तो वो भी आप लोग मार्क कर सकते हो जहाँ पे जरूरत हो, जहाँ पे हमको पैटर्न मिल रही हो सपोर्ट लेवल की चैनल के साइड, तो सभी चीजें ठीक है, बहुत सभी जगह पे ये पैटर्न दिख रही है कि बायर ट्राई कर रहे हैं और वो बायर की कोशिश नाकामयाब हो रही, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं ICICI बैंक देख लेते हैं, चलो ICICI बैंक में भी क्या पैटर्न निकल, सभी में 1 आवर के चार्ट में फॉलो कर रहा हूँ, ICICI बैंक ऑलरेडी अपने देख लिया राइट, सबसे पहले ही शायद अपने ICICI बैंक देखा था, ये पता है ना ये चीज मैं थोड़ा भूल गया, ये चीज यहाँ पे मैंने पढ़ाया था दोनों चीज याद है ना आपको, ये सब मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल इस वीडियो में ले लिया था, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, मैंने 2-3 जगह पे आपको स्टॉप लॉस और वो भी जो प्राइस रिजेक्शन में अगर
वो नहीं कर पाए, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर नीचे की तरफ ट्रेड लेना चाहते हो तो ये वाला स्टॉप लॉस कर सकते हो, ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहते हो तो ये वाला स्टॉप लॉस, और बाद में 1% 2% का रिटर्न आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आई होप कि ये समझ में आया होगा। जरूरत पड़ी तो एक दो और वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे ज्यादा एग्जाम्पल के साथ, मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, क्वेरी पूछते रहना, सजेशन देते रहना और मेरे साथ जुड़े रहना, अच्छा लगता है। दूसरा कि हर बार की तरह कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हो, एक सीरियस तरीके से विदाउट एनी शॉर्टकट आगे बढ़ना चाहते हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चले जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो। नए लोगों के लिए 1.5 लाख रुपये के कोर्सेज फ्री रखे हैं और बाद में स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज है, और हर एक कोर्स मैंने कोचिंग के व्यू पॉइंट से दिया हुआ है, हर एक स्ट्रेटेजी कोचिंग के व्यू पॉइंट से, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन में, एडजस्टमेंट इंट्राडे में सब कुछ। बाद में आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आप ऐसे अच्छे ट्रेडर बन के बाहर निकलो, ना कि आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।